And YouTube? Yeah, YouTube. Blogger? Blogger. कैंटीन फूड कैंटीन ट्रेन ओके। मैंने कभी ऐसा कैंटीन लाइफ में किसी ट्रेन में नहीं देखा है जो इतना क्लीन हो, पहली बार सच कह रहा हूँ। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. So time आ गया है जब समरकंद को मैं अलविदा कह रहा हूँ और जा रहा हूँ वापस ताशकंद इस बुलेट ट्रेन में। तो ये एफ्रोसियाब या फिर बुलेट ट्रेन ऑफ उज्बेकिस्तान ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, जस्ट 7 से 8 डिब्बे होते हैं, उसमें से एक डिब्बा होता है कैंटीन। तो यही है, मेरा है कोच नंबर 3 और मेरा सीट नंबर है 33। बता दूँ ये मैं पहली दफ़ा बुलेट ट्रेन में ट्रैवल करने वाला हूँ, बिकॉज रशिया में आपको भी पता है कि मेरे को टिकट मिली ही नहीं थी बुलेट ट्रेन की, 2 दिन पहले बुक करी थी तो नॉर्मल ट्रेन ही मुझे मिली थी। खैर, लेकिन बुलेट ट्रेन का सपना अब पूरा हो रहा है, सपना तो नहीं लेकिन ठीक है। हाँ, ये भी नया एक्सपीरियंस होगा कि बुलेट ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ। इसके टिकट की कॉस्ट की बात करूँ ना तो सिर्फ $10 या फिर कह सकते हो 750 रुपया इंडियन करेंसी। मुझे नहीं लगता कोई भी वर्ल्ड में ऐसी कंट्री होगी जहाँ बुलेट ट्रेन, जो इतनी स्पीड ट्रेन है, उसका इतना सस्ता टिकट। लेकिन खैर, 2 घंटे का ही जर्नी है तो समरकंद को अलविदा कह रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ ताशकंद, द कैपिटल सिटी ऑफ उज़्बेकिस्तान। काफ़ी इन्जॉय किया समरकंद में, आई होप आपको भी काफ़ी मज़ा आया मेरे व्लॉग्स। अब देख लेता हूँ कि यही है क्या कोच नंबर 3, बिकॉज यहाँ पे लिखा तो नहीं है कोच नंबर 3। फाइव, ओके, 4, 3, थैंक यू। नंबर 3, ओके, 3। डू यू हैव टिकट? यस श्योर, इन द पासपोर्ट। इन पासपोर्ट, थैंक्स। एंड यूट्यूब? या यूट्यूब। ब्लॉगर? ब्लॉगर। गुड, थैंक यू। You see number 33? 33, okay. On the right side. On the right side, okay. Yeah, okay. Thank you so very much. Good journey. Oh, thank you. तो रशियन रेलवेज़ की बात करें तो उसमें तो एक ऐप है RZD, जिसमें आप टिकट बुक भी कर सकते हो और चेक भी कर सकते हो टाइम टेबल वगैरह। इसमें ना कोई ऐप वगैरह नहीं है, लेकिन 2-2 करके है जिसमें आप चेक कर सकते हो, शायद बुक भी कर सकते हो, लेकिन चेक तो कर ही सकते हो कौन से ट्रेन कितने बजे की है और किस में सीट अवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो 2-2 ऐप से आप सब कुछ देख सकते हो। और अगर आपको जानना है कि मैंने कैसे बुक की थी, कब बुक की थी, तो आप वो वीडियो देख सकते हो ताशकंद में मैजिक सिटी वाला, जो मैं मैजिक सिटी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। उसमें शुरुआत में मैं रेलवे स्टेशन जाके फिजिकली टिकट खरीदी थी, तो उसका आपको आइडिया आ जाएगा। खैर, मैं अभी बैठ चुका हूँ, मेरी सीट पे विंडो सीट है और बुलेट ट्रेन का एक्सपीरियंस होने वाला है। फर्स्ट टाइम स्पीड की बात करें तो देखो, कुछ 150 माइल्स या फिर 300 किलोमीटर के ऊपर पड़ता है ताशकंद और समरकंद। और अगर स्पीड की फिर अनुमान लगाए तो लगभग 125 किलोमीटर के स्पीड से भागेगी। तो अभी देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा होता है। लेकिन सीट्स वगैरह की बात करो तो बहुत क्वालिटी है। जो मैं नॉर्मल ट्रेन में आया था, जिसका सिर्फ $2 कम था किराया, ताशकंद से समरकंद आया था, उसकी सीट्स वगैरह इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन इसकी वगैरह बहुत लेग स्पेस से लेके हर चीज़, इनफैक्ट मैंने मेरा बैग जो है ट्रैवल बैग इधर ही रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा लेग स्पेस है, बहुत सुकून मिल रहा है, एयर कंडीशन वगैरह बहुत फर्स्ट क्लास है। समरकंद के क्लाइमेट की बात करूँ ना तो कुछ अलग ही है। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, मैं सुबह 1 लीटर ऑरेंज जूस लिया था जिसका कीमत 65 रुपीज़ था। यस, यहाँ पे रेट बहुत कम है और 100% फ्रूट जूस की बात कर रहा हूँ। तो 1 लीटर ऑरेंज जूस था, वो पूरा पिया। इसके बाद पोमोग्रेनेट का ये जूस है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया इस बॉटल में खाली करके, ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है। फिर भी प्यास लगती जाती है, वो जूस का क्रेविंग होते ही जाता है जब तक आप पानी ना पीते हो। एकदम वैसा ही कुछ क्लाइमेट है जैसे हमारे राजस्थान वगैरह में होता है कि आप जब तक पानी नहीं पियोगे ना, आप कितना भी जूस पी लो आपको जमेगा ही नहीं। Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe.
kids screaming in the cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Only one coach? Two coach. Okay, understood. Great. Thank you so much. So this is the cafeteria of this wonderful bullet train. और आपने एजेंट विनोद वगैरह मूवी देखी है तो ऐसी ही ट्रेन थी उसमें भी सेम. तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि जो मूवीज़ में देखता था ना मैं, वैसे ही. जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही ट्रेन में आया हूँ. और बहुत ही क्लीन है, बहुत ही शानदार कैंटीन है. मैंने कभी ऐसा कैंटीन लाइफ में किसी ट्रेन में नहीं देखा है जो इतना क्लीन हो. पहली बात सच कह रहा हूँ, आप देख सकते हो बहुत क्लीन है. क्योंकि एनी टाइम एक क्लीनर रहता ही है यहाँ पे साफ़ करने के लिए या फिर कोई भी. तो थोड़ा सा भी कुछ भी मेरे को कोई कचरा वगैरह दिख नहीं रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है. टू कोच बिजनेस क्लास एंड देन फर्स्ट क्लास. ओके, सो दिस इज बिजनेस क्लास. बिजनेस क्लास तो मेरे को सिमिलरली लगा इकोनॉमी. जस्ट ये है कि इकोनॉमी में 2x2 था और बिजनेस में 2x1 है. और यहाँ पे मील मिल जाता है, जैसे कि हमको स्नैक मिला इकोनॉमी वालों को, यहाँ पे इनको मील मिल जाता है. और उसके बाद वहाँ पे वीआईपी क्लास है. वीआईपी क्लास तो स्टार्टिंग में मैंने बताया ही था. तो इंजन है, इंजन के बाद वीआईपी है, वीआईपी के बाद 1, 2, 3, 4 इकोनॉमी, फिर कैंटीन, फिर 2 बिजनेस, फिर वीआईपी एंड दैट्स इट. ये होती है ख़त्म बुलेट ट्रेन. हमें को पूरी ट्रेन में सबसे अच्छी चीज़ कैंटीन ही लगी है. ऑफ कोर्स खाने पीने की चीज़ है तो अच्छी तो लगेगी, लेकिन व्यू वाइज कमाल है, कमाल. सो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. एग्जैक्ट 2 घंटा 5 मिनट में पहुंचा लिया समरकंद से ताशकंद. और जो नॉर्मल ट्रेन में गया था, मतलब ताशकंद से समरकंद, उसने मेरे को पहुंचाया था 3.5-3.5 घंटे में. सो मतलब यह फास्ट है, बुलेट ट्रेन है और एक्सपीरियंस भी कमाल का रहा और सस्ती है. तो ज़रूर अगर आप उज़्बेकिस्तान आओ तो ज़रूर ट्राई करना. $10 के अंदर की ये ट्रेन है, तो क्या ही खोटा है ना. लेकिन 2-3 दिन पहले बुक करना तो ही आपको टिकट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी. बिकॉज हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है एक टाइप का, तो फटाफट टिकट्स बुक हो जाती है. तो मैं आया हूँ द होस्ट इंडियन रेस्टोरेंट, जो कि अगर पहले के वीडियो आपने देखे तो उसमें मैंने वर्णन किया था, डिस्क्राइब किया था कि एक ही इंडियन रेस्टोरेंट है ताशकंद में द होस्ट. और उसमें भी वो लोग बिल में 25% जोड़ते हैं सर्विस टैक्स वगैरह, लेकिन क्या करें, एक ही ऑप्शन है. और स्टेशन से जस्ट 2 मिनट बाय वॉक है. तो मैंने कहा कि अभी हॉस्टल जाऊँगा, फिर वहाँ से 1-1.5 घंटे बाद वापस टैक्सी करके आऊँगा, इससे अच्छा अभी खा लेता हूँ उसके बाद डायरेक्ट हॉस्टल जाता हूँ. लेकिन हॉस्टल से पहले एक और काम है कि यहाँ से नज़दीक, मतलब वही बिल्डिंग वो जो दिख रही है बस, यहाँ है कोविड रिपोर्ट का इंक्वायरी भी करना है. बिकॉज मेरे को कल शाम को या फिर परसों सुबह कोविड रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी टू फ्लाई टू इंडिया वाया समथिंग
तो जो भी है जैसा भी होता आपको आगे पता चल जाएगा। तो बस ये वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ, है ना, छोटा ही वीडियो है, बुलेट ट्रेन का एक्सपीरियंस और समर कंटू ताशकेंट, दैट्स इट। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, लव यू ऑल, स्टे कनेक्टेड। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, सोचा वीडियो एंड करने से पहले दे दूँ। मैं फिलहाल द होस्ट इंडियन रेस्टोरेंट में हूँ, ठीक है। तो मैंने इनसे कहा कि अगर मुझे 25% सर्विस टैक्स बचाना है तो क्या करना होगा, इन्होंने कहा टेक अवे। सो द थिंग इज दैट अगर आपको बिल पे 25% बचाना है तो यू कैन टेक अवे एंड यू कैन ईट इन योर हॉस्टल और होटल, ठीक है। सिर्फ 2000 सोम पैकिंग चार्जेस लगेगा, दैट्स इट। फॉर एग्जांपल अगर मैंने पुलाव लिया 35,000 का विथ रायता, तो अगर इसका 25% गिनूँ ना तो तकरीबन हो जाता है 9000 सोम, ठीक है। और यहाँ सिर्फ पैकिंग चार्जेस लग रहे 2000 सोम, तो 7000 सोम का फ़ायदा, तकरीबन 50 रुपये का फ़ायदा। ये मैं सिर्फ छोटी चीज़ ले रहा हूँ, इसलिए अगर आप बड़ी चीज़ लोगे, ज़्यादा लोगे, तो उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा सर्विस टैक्स वगैरह, है ना। सो बस मैंने सोचा कि वीडियो एंड करने से पहले ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ। और पीछे जो भी है सब इंडियंस है, अगर वापस कह रहा हूँ वो वीडियो में भी बोला ही था और ये वीडियो में भी बोल रहा हूँ कि अगर ताशकंद में आपको इंडियंस ढूंढने हैं तो द होस्ट रेस्टोरेंट में आ जाना, वहीं पर आपको सारे इंडियंस मिलेंगे, उससे अलावा कहीं पर भी इंडियंस नहीं मिलेंगे। Just tripping on day dreams, got dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just rot around the nursery and count.